हेलो एवरीवन, एटीएम शेस पर आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल ये एकदम ही अनोखी तरह की मिठाई। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है ये खाने में। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाली मिठाई हम बिना गैस जलाए झटपट से केवल 3 या 4 चीज़ों से ही बनाकर तैयार करेंगे तो आप मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे जब आप ये वीडियो देखेंगे। और एक बार ये मिठाई आप खा लेंगे तो आपको कभी भी बाजार से मिठाई ढूंढ कर लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सभी आपके हाथों की बनी हुई इस मिठाई को याद करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 250 ग्राम काजू, और काजू के साथ ही इसमें हम लेंगे 1/2 कप चीनी, और इन दोनों को ही हमें साथ में पीसकर इनका पाउडर तैयार करना है। तो ये देखिए, काजू को मैंने मिक्सी के जार में भर लिया है, और इसमें ये 1/2 कप की आधी चीनी में डाल रही हूँ क्योंकि मैं काजू को 2 बैचेस में पीसने वाली हूँ। तो अब इन दोनों को हम अच्छे से पीसकर इनका पाउडर तैयार कर लेंगे। तो इसमें एक बात का ध्यान रखें आप कि काजू तेल ना छोड़े और इसका पेस्ट जैसा ना बने, इसके लिए मिक्सी को हमें रोक रोक करके इसे पीसना है। अब ये काजू और चीनी के पाउडर को हम एक छलनी में डालेंगे इस तरह से, और अच्छे से इन्हें हम छान लेंगे। इससे काजू के जो भी बड़े टुकड़े होंगे वो अलग हो जाएंगे और एकदम फाइन काजू का और चीनी का पाउडर हमें मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये थोड़े से काजू के जो टुकड़े हैं इन्हें हम फिर से मिक्सी के जार में भरेंगे और इन्हें फिर से पीसकर सारा काजू का पाउडर हम तैयार कर लेंगे। अब तीसरी चीज़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 कप कंडेंस मिल्क। जिस कप से हमने चीनी ली है उसी कप से मेज़र करके हम कंडेंस मिल्क लेंगे, जिसे कि मिल्कमेड भी कहा जाता है। तो ये मिठाइयों को बनाने के लिए ही बना होता है और इसे हम घर पर भी बना सकते हैं। तो ये हमारी मिठाई को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनाएगा। अब जो काजू और चीनी का पाउडर है, इसमें मैं डाल रही हूँ 3 से 4 क्रश की हुई हरी इलायची, और फिर ये जो कंडेंस मिल्क हमने लिया है ये हम डालेंगे। तो कंडेंस मिल्क से एक तो इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, साथ ही साथ इसे अच्छी सी बाइंडिंग भी मिलेगी क्योंकि इसकी हम कुकिंग नहीं करने वाले हैं। तो बिना कुकिंग के जो मिठाई हम बना रहे हैं उसके लिए हमें इसमें कंडेंस मिल्क मिलाना ज़रूरी है, तभी एकदम इसका मिठाई वाला टेक्सचर आएगा। अब बस हमें सिर्फ एक ही काम करना है, वो क्या है कि हमें इसे अपने हाथों से अच्छे से मिलाना है। बिल्कुल जैसा डो होता है उसी तरह से हमें इसे तैयार करना है। तो शुरू शुरू में क्या होता है कि ये काफ़ी स्टिकी होता है, बहुत ही एकदम चिपचिपा होता है, लेकिन जैसे जैसे इसे हम मसलते जाते हैं और काजू अपना फैट रिलीज करते जाते हैं वैसे वैसे ये एकदम स्मूथ हो जाता है और चिकना हो जाता है। तो देखिए, बिल्कुल अच्छे से हमें इसे मसलना है और बिल्कुल अच्छा सा इसमें से ऑयल रिलीज हो जाना चाहिए, और हमारे हाथों पर ये जब चिपकना बंद हो जाएगा तो मतलब ये बिल्कुल सही से हमने इसे तैयार किया है। तो बिल्कुल आटे की तरह ही इसे हम मसलेंगे और गूंथेंगे। तो ये काजू की मिठाई को आप कभी भी जब चाहे तब बना सकते हैं, कोई भी त्यौहार हो या आपका मूड हो जाए कुछ मीठा खाने का। तो लगभग 2 से 3 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से मसला है और अब ये एकदम स्मूथ हो गया है और बिल्कुल भी मेरे हाथों पर ये नहीं चिपक रहा है और एकदम फर्म हो गया है ये। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। हम इसे 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे इस तरीके से। और फिर इसके बाद इसे हम इस तरीके से प्लेट करेंगे, इस तरह से इसे रोल करेंगे ताकि एकदम इक्वल पोर्शंस हम इसके अलग कर पाएं। तो देखिए, इस तरीके से इसे फैला लेंगे और फिर चाकू की मदद से इसके हम पेड़े कट कर लेंगे। तो हम इसे मीडियम साइज में बना रहे हैं, तो इसके लिए हम इसके नींबू की साइज की बॉल तैयार करेंगे, तो उस हिसाब से हम इसके पोर्शंस अलग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसे अच्छे से हाथों में लेकर के इस तरह से रोल करेंगे और एकदम बढ़िया से इसकी बॉल बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो सभी बॉल्स पहले हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर बाद में हम इसे एक बढ़िया सी डिज़ाइन देंगे। वो भी आप देखोगे कि कितनी आसानी से जुगाड़ लगा करके हम एकदम सुंदर सी इसे डिज़ाइन देंगे। तो कुछ बॉल्स मैंने तैयार कर ली है। अब ये देखिए, इस तरह का जो जारा होता है हम इस्तेमाल करते हैं हमेशा कुछ भी फ्राइंग करते टाइम पर, इसका इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही ये मैंने 1 टीस्पून जितना ये ऑरेंज फूड कलर लिया है, ये खाने वाला मीठा रंग है, ये लिक्विड फूड कलर है। अगर आपके पास पाउडर वाला है तो आप उसे थोड़े से पानी में घोल करके इस तरह से इसका घोल तैयार कर सकते हैं,
और फिर देखिए इस तरह से हम इस पर हल्का हल्का से ऐसे लगा लेंगे। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो बिना इसके भी इसे बढ़िया से डिज़ाइन दे सकते हैं। तो देखिए अब हम इसे इस तरह से इसमें रखेंगे और हल्का से इसे दबा देंगे ताकि इसका इम्प्रेशन इस पर अच्छे से आ जाए और वो भी सुंदर से कलर के साथ। और ये देखिए एकदम बढ़िया से इस पर डिज़ाइन आ गई है और बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। तो बस इसी तरह से हम सभी को डिज़ाइन देंगे और इन्हें तैयार करेंगे। आप चाहे तो इसे बिना किसी डिज़ाइन के एकदम प्लेन भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मिठाई तो हमारी बिल्कुल तैयार है, हम बस इसकी थोड़ी सी सजावट कर रहे हैं ताकि खाने से पहले इसे देखकर थोड़ा सा मज़ा आ जाए। आप चाहे तो इस पर थोड़ा सा चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, और चांदी का वर्क काफ़ी इजीली किसी भी किराना स्टोर पर या जनरल स्टोर पर मिल जाता है, लेकिन वेजिटेरियन और एकदम फूड ग्रेड क्वालिटी का होना चाहिए। तो इस तरह से पहले हम इस पर ये चांदी का वर्क लगा लेंगे और फिर हम इसे इस तरीके से डिज़ाइन दे देंगे। तो अब तो आप मान गए हो ना कि बिना गैस जलाए भी हम बाजार जैसी शानदार मिठाई घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, है ना, ये बिल्कुल नई और अनोखी रेसिपी। इस तरह से ये हमारी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस काजू की मिठाई बनकर तैयार है खाने के लिए। और काजू के ये पेड़े देखने में भी बहुत सुंदर है और खाने में काफ़ी टेस्टी डिलीशियस है, तो ज़रूर आप इसे घर पर बनाएं, सबको ये बहुत ही पसंद आएगी। और हाँ, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ETMishes को ज़रूर से सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इसी तरह से कुछ नया और कुछ स्पेशल देखने को मिलता रहे। और नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस काजू की टेस्टी डिलीशियस मिठाई एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ETMishes।